नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए शंकर कांस्टिया, स्वागत है आपका। सो अब काउंटडाउन हैज बिगन एंड डेफिनेटली जो ओनली ग्रुप टू दे रहे हो, एससीएमपी की तैयारी सबसे पहले आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए मैं आज आप लोग के साथ आया हूं। सो डेफिनेटली डीटी है, आईडीटी है, इलेक्टिव है, वो भी आप लोग पैरेलली साथ में कर सकते हो। एटलीस्ट लास्ट का 3 दिन जो है वो अपने को एससीएमपी के लिए देना है। प्लस थैंकफुली जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए एक बेनिफिट है दैट देयर इज एक्स्ट्रा हॉलिडे आफ्टर लॉ फॉर कॉस्टिंग। सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि भाई क्या करूं मैं, उसी दिन ले लूं जिस दिन लॉ का एग्जाम है, और शुड आई कीप इट ऑन द नेक्स्ट डे? डेफिनेटली मेजोरिटी सजेशंस मुझे आ चुके हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं ऐसा मेरे थॉट प्रोसेस में है, बट मेरे को आप लोग की तरफ से कमेंट चाहिए वेयर इन यू टेल मी, आप मेरे को सजेशन दो कि क्या करना चाहिए ऑन लॉ एग्जाम डेट, जैसे अपन लोग यूजुअली करते हैं। बिकॉज लॉ के दिन एग्जाम खत्म हुआ, मैराथन ले लिया, नेक्स्ट डे आपको छुट्टी होती है और परसों एग्जाम होता है, बट दिस टाइम देर इज एन एडिशनल हॉलीडे एंड हेंस द कंफ्यूजन। सो प्लीज कमेंट पे आप लोग बता देना कि इट शुड बी ऑन लॉ एग्जाम डेट या नेक्स्ट डे, वॉट एवर मेजॉरिटी जनता से इज, डेफिनेटली वील गो अहेड विद दैट। सो प्लीज ये चीज विदाउट फेल कमेंट कर देना सो दैट आई एम क्लियर। अब एज फार एज स्ट्रैटेजी इज कंसर्न, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना जो अभी अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कि अब क्विक रिवीजन के ऊपर आ जाओ, अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना कोई चैप्टर के ऊपर, ना कोई पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, ना कोई पर्टिकुलर सम के ऊपर। एक आदत होती है, देखो स्पेशली कॉस्टिंग में कई बार सम्स इतने लेंदी होता है दैट यू टेंड टू स्पेंड एटलीस्ट 2 to 3 hours इन वन पर्टिकुलर सम, एंड एंड ऑफ द डे रियलाइज होता है यार मेरा कुछ कॉन्क्रीट हुआ ही नहीं। देखो ये सब आज से 2-3 महीने पहले तक चल सकता था जब आपके पास टाइम था, नाउ थिंग्स हैव टू बी क्विक। एंड व्हेन आई से क्विक, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना है बट बहुत ज्यादा टाइम किसी चीज के ऊपर नहीं स्पेंड करना है। आया तो ठीक, नहीं आया तो यू हैव टू मूव ऑन। अब बोलते ना वो एक थोड़ा गट फीलिंग पे रिलाई करना पड़ेगा कि जितना आता है एग्जामिनर उतना ही पूछेगा एंड आई विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। दूसरा, अब ये एटीट्यूड रखना छोड़ दो कि एससीएमपी में मेरे को खाली 40-45 आ गया चलेगा, बाकी 3 में अच्छा ले आऊंगा, नहीं। अब अपने को एससीएमपी को भी एग्जेम्पशन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज देर आर चांसेस कि बाकी 2-3 सब्जेक्ट में से अगर एक भी टफ आया देन इन दैट केस मालूम पड़ेगा अपने को एससीएमपी ही अपने लिए सेविंग ग्रेस होने वाला है। सो वो कॉन्फिडेंस इंटरनली आपको लाना पड़ेगा दैट यस आई एम गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड एग्जेम्पशन तो मैं स्कोर करने ही वाला हूं इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सो वो एक रेंज से मत जाना 40-45-50 का, 60 तो चाहिए ही चाहिए, एंड उस हिसाब से आपका अप्रोच रखोगे will be really helpful to you, especially अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो then in that case तो मैं बोलता हूं चारों सब्जेक्ट में 60 प्लस ही आपका पासिंग होना चाहिए, क्योंकि होता है ना ग्रुप टू का भी जो खाली एग्जाम होगा पासिंग परसेंट तो 20% ही होने वाला है जो ओनली ग्रुप टू देने वाला है, मतलब ओनली ग्रुप टू में भी 80% लोग तो क्लियर नहीं होंगे। आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू बी अमंग्स दैट। सो अगर उस लेवल पे पहुंचना है जहां पे टॉप 20 जो पास होने वाले हैं ग्रुप टू में, ओनली ग्रुप टू देके यू हैव टू बी देयर, एंड फॉर दैट हर एक सब्जेक्ट में यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड अच्छी तरह से उसको लिखना है। सो एक बोलते हैं ना पॉजिटिव बिलीफ से आपको एग्जाम देना है, एटीट्यूड उस हिसाब से रखना है, थिंग्स विल गो स्मूथली फॉर श्योर। सो डू क्विक रिविजन्स नाउ, नो पैनिक, स्टे कॉन्फिडेंट, एंड एग्जेम्पशन का ही आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। 3 मेजर मैं आप लोग को चीजें दे रहा हूं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, जो आप लोग ऑलरेडी देख भी चुके हो, आई एम श्योर कंटिन्यू भी होगा, बट प्लीज इसको स्मार्टली यूटिलाइज करना। अराउंड 1.5 डे फुल मैजिक थियोरी रिविजन के लिए डाल देना, अराउंड 1.5 डे फुल प्रैक्टिकल रिविजन के लिए, एंड एवरी डे बेसिस पे 10-10 मिनट के चाय विद कॉस्टिंग के क्लिप्स आपके बेसिस पे होने ही चाहिए। सो दिस इज वॉट विल मेक यू वेरी वेरी स्ट्रांग इन दिस सब्जेक्ट, एंड जो अपन मिनिमम टारगेट सोच रहे हैं एग्जेम्पशन का, डेफिनेटली विल बी एबल टू अचीव इट। सो मैजिक फुल रिविजन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, प्रैक्टिकल का, चाय विद कॉस्टिंग का, सबका PDF सब मिल जाएगा। प्लीज एंश्योर कि आप उसको रिलीजियसली कर रहे हो, फोकस्ड हो, एंड एटलीस्ट अभी 12 to 14 hours डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, सोशल मीडिया या जो भी बाकी सब टाइम पास है उसको आप लोग ने साइड कर दिया है, बोलते ना नाउ और नेवर वाला टाइम आ गया है। इफ टाइम परमिट्स तो थोड़े बहुत मास्टर सम्स सॉल्व कर लेना,
थियोरी में एंश्योर करना कि आप कीवर्ड्स को लर्न कर लो सो दैट एग्जाम में लिख रहा हो, जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड है तो चारों पर्सपेक्टिव लिखने ही पड़ेंगे, लर्निंग पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, कस्टमर पर्सपेक्टिव है, लिखना ही है, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का कोई क्वेश्चन है तो डिटरमिनेंट्स है, स्टैंडर्ड्स है, मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स, सब लिखना ही है अपने को, राइट। एंड लास्ट में मेरा एक सजेशन रहेगा कि प्लीज एबीसी एनालिसिस जो मैंने पीडीएफ डाला हुआ है ना टेलीग्राम चैनल पे, उसको रिफर कर लेना। कैसे केस स्टडी को लिखना है वो मैंने उसमें बताया है, एट द सेम टाइम कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग इज गिवन इन दैट पीडीएफ। प्लीज वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उसको यूज करना आने वाले टाइम में, दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। बाकी उसके अलावा और कुछ चाहिए आपको देन लेट मी नो, एंड डू ऑल्सो लेट मी नो कैसा चल रहा है प्रिपरेशन। आई होप अब इतनी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, होना ही चाहिए। एंड आप खुद भी बोले ना, यू नो यू आर ईगर, अब तक जो एक डर था इस सब्जेक्ट के लिए, नाउ वी आर ईगर टू गिव दिस एग्जाम एंड एंश्योर द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। डू लेट मी नो योर थॉट्स एज वेल, और भी कुछ चाहिए तो बताते रहिएगा। अस्तला विस्ता, कीप स्टडिंग हार्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड, एकदम क्रूशियल टाइम पे अभी अपन लोग, नाउ और नेवर वाला सिचुएशन आ चुका है, लेट्स मेक इट नाउ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।